नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु की कंप्यूटर टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए रोज कंप्यूटर के सेट पेपर लेकर आ रहे हैं जो कि सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में हम आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन की ओर। इन एमएस वर्ड 2007 कंट्रोल प्लस जी, एमएस वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का क्या यूज होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका जवाब। आइए देखते हैं, कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का यूज ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब, यह गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नोट एंड फुट नोट? एंड नोट एंड फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। एंड नोट आर अ सीरीज ऑफ नोट्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। फुट नोट इज अ सीरीज ऑफ नोट्स एट द बॉटम ऑफ अ पेज। एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट्स की सीरीज होते हैं और फुट नोट पेज की तली में स्थित नोट की सीरीज होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंप्यूटर जार्गन WWW स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर जार्गन में WWW 4W किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, सेकेंड वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, थर्ड वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वेब, फोर्थ वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वीक। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब बॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम SDLC मींस? SDLC का क्या संक्षिप्त अर्थ है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड टू? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में किस लिए? आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव्स द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट इन एमएस वर्ड, कर्सर को एक शब्द के बाई ओर पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन एमएस डॉस लिनक्स एंड यूनिक्स व्हाट डज द कमांड हु एम आई प्रिंट ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन? इन एमएस डॉस लिनक्स तथा यूनिक्स में कमांड हु एम आई आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हु एम आई कमांड, बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। हु एम आई कमांड इन लिनक्स एंड यूनिक्स प्रिंट्स द इफेक्टिव यूजर आईडी ऑफ लॉग्ड इन यूजर, लॉग इन किए हुए प्रयोक्ता की प्रभावी यूजर आईडी प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन लिनक्स व्हाट कमांड इज यूज्ड विद VI एडिटर
टू रिप्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू राइट। लिनक्स में वीआई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। अपर केस आर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू सेट ब्लैक कलर एज बैकग्राउंड ऑफ पेज इन HTML? HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार कोडिंग आपके सामने हैं, आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एमएस डॉस विच कमांड इज यूज्ड टू सी द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव? एमएस डॉस में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फोर ऑप्शंस, ट्री, लिस्ट, सब डीआईआर, सब ट्री। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ट्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्री कमांड इज यूज्ड टू सी द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव इन एमएस डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड वर्जन 2007 ऑनवर्ड्स व्हाट अलाउज यू टू लिंक टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट कनेक्टिंग टेक्स्ट इन वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक और बुकमार्क? एमएस वर्ड वर्जन 2007 तथा इससे आगे आने वाले में आपको निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा देता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्रॉस रेफरेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शन? निम्न में से क्या राउटर फंक्शंस का वर्णन करता है? पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। All of the above is the right answer for this question. Option number 4 is right for this question. बढ़ते हैं हमारे next question की ओर। With respect to a network interface card, the term 10/100 refers to? Four options. बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। 10/100 रिफर्स टू मेगाबाइट्स प्रति सेकंड, मेगाबाइट्स प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पैसिव कमांड प्रोवाइड टू डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स? पैसिव कमांड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को क्या प्रदान करती है? फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका जवाब। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। पैसिव कमांड प्रोवाइड स्टॉप्स एंड इंटरफेस फ्रॉम सेंडिंग पीरियडिक डायनामिक अपडेट्स बट नॉट फ्रॉम रिसीविंग अपडेट्स। इंटरफेस को पीरियडिक डायनामिक अपडेट्स प्रेषित करने से रोकती है
लेकिन प्राप्त करने से नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। फोर ऑप्शंस: एमएस पावर पॉइंट, की नोट, गूगल स्लाइड्स, सफारी। आइए बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। सफारी इज नॉट अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन: HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML का उपयोग क्या क्रिएट करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। वेब पेज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन लिनक्स व्हाट कमांड इज नॉट यूज्ड टू लिस्ट द फाइल्स chap01, chap02 एंड chap04। लिनक्स में फाइल्स chap01, chap02 तथा chap04 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। lschap 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस कमांड इज नॉट यूज्ड टू लिस्ट द फाइल्स 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच एरिया इन एन एक्सेल 2007 विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज और फॉर्मूले एंटर किए जाते हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। फॉर्मूला बार ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला बार में वैल्यूज एंड फॉर्मूले एंटर किए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is an email server? Email server क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। ईमेल सर्वर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस फॉर ईमेल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यह ईमेल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। ईमेल सर्वर ईमेल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। रीड कीजिए और बताइए मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या परिभाषित करता है। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका करेक्ट आंसर है, इट इज अ सिस्टम मेनली एम्प्लॉयड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशंस के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर द डेफिनेशन ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडोज एनटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन से प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे?
चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। यू वांट टू फाइंड आउट विच यूजर्स आर करंटली यूजिंग अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑन अ विंडोज एनटी सर्वर कंप्यूटर, हाउ शुड यू डू दिस? फोर ऑप्शंस, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। यूज सर्वर मैनेजर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्वर मैनेजर के उपयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू ओरिजिनेटिंग होस्ट? किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है? टीसीपी, एआरपी, आईसीएमपी, बूटपी। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड 2007 स्क्रीन? फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या बताता है? फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर। आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। मेमोरी बफर रजिस्टर कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द MAR आफ्टर अ रीड और द राइट और द न्यू कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी प्रियर टू अ राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मेमोरी बफर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एमएस एक्सेल 2007 टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रोल व्हेन यू स्क्रोल अ वर्कशीट क्लिक द। एमएस एक्सेल 2007 में रो तथा कॉलम टाइटल्स को स्थान पर रोकने के लिए जिससे वे वर्कशीट को स्क्रोल करते समय स्क्रोल ना हो, निम्न में से किस पर क्लिक करना होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आइए बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। करेक्ट आंसर है फ्रीज पेंस कमांड ऑन द व्यू टैब, व्यू टैब के फ्रीज पेंस कमांड पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2010 टेम्पलेट फाइल? एमएस पावर पॉइंट 2010 वर्जन टेम्पलेट फाइल का विस्तार क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए बढ़ते हैं क्या है इसका सही जवाब। .potx ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2007। आइए बढ़ते हैं अब हमारी सरप्राइज क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज का हमारा सरप्राइज क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी तरह से मिलते हैं और भी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।